स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। अगर आपके व्हाट्सएप में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपके व्हाट्सएप में ये लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर थीज मैसेज, और जो मैसेज आपको भेजा गया है वो मैसेज आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप वो मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, ये मैसेज क्या है, ये मैसेज एक वीडियो है या फिर कोई सिंपल मैसेज है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई PDF है, ये आपको पता नहीं लग रहा है इस मैसेज में क्या है, केवल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर थीज मैसेज। अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है, ये प्रॉब्लम ठीक होता है या नहीं होता है और ये प्रॉब्लम क्यों आता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है। अगर आप अपने व्हाट्सएप को कुछ समय के लिए अनइंस्टॉल कर देते हैं और 2 या 4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन तक आपका व्हाट्सएप ऑफ रहता है और इस दौरान अगर आपको कोई मैसेज भेजता है तो उसके बाद जब आप व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद जब आप व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते हैं तो आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होता है और जब आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर टच करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है और उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर टच कर देते हैं। तो इस दौरान आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होता है और जब व्हाट्सएप ऐप आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेता है तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है, यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट की परमिशन वगैरह मांगी जाती है। तो जब आप कंटिन्यू पर टच करते हैं और यहाँ पर एक अगला पॉपअप आ जाता है तो आपको यहाँ पर इसे कॉन्टैक्ट की परमिशन अलाउ करनी होती है। कॉन्टैक्ट की परमिशन अलाउ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक फीचर आ जाता है, बैकअप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आपको रेस्टोर का ऑप्शन मिलता है, एक आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने यहाँ पर स्किप पर क्लिक किया था और यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका था, हमने उसके बाद यहाँ पर स्किप रेस्टोर पर टच किया था। अब यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज आ जाता है और यहाँ पर ऊपर हमें प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने का फीचर मिल जाता है और यहाँ पर हम व्हाट्सएप में कोई नाम वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल हो जाता है। जब व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल होने के बाद ओपन होता है तो आपके सामने यहाँ पर ये समस्या आती है वेटिंग फॉर थीज मैसेज। जब ये समस्या आपके सामने आती है, जैसे कि आप यहाँ पर हमारी एक चैट देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर थीज मैसेज। अगर हम यहाँ पर इस चैट को ओपन भी कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 मैसेज आए हैं और यहां पर इन 3 मैसेज पर लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर थीज मैसेज। अब अगर आपके पास ये समस्या आ जाती है तो आपको क्या करना है, बहुत सी वीडियो में आपने ट्यूटोरियल वगैरह देखे होंगे लेकिन वो सब बेकार है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अलग से किसी सेटिंग में नहीं जाना होता है, केवल आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। ज्यादातर केस में ये समस्या अपने आप हल हो जाती है, अपने आप यहाँ पर ये मैसेज शो हो जाता है। लेकिन अगर आपके जो मैसेज है वो शो नहीं हो रहे हैं, 1 या 2 घंटा बीत गया है, तो आपको वेट करना है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपके व्हाट्सएप की सेटिंग से नहीं आती है। ये प्रॉब्लम आपको तब आती है जब व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होता है। इस दौरान जब व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो ठीक से काम करने लग जाता है तो आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर शो हो चुके हैं। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, 2 या 4 घंटे या फिर 1 दिन, आपकी जो समस्या है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये समस्या आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको वेट करना है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।